तो कहीं ना कहीं इसमें, इस पोइम में वो थीम भी हमें देखने को मिलती है कि किस तरह से जो हमें वो श्राप मिला हुआ है उस पर भी मार्गरेट दुखी है। पढ़ते हैं पोइम, मार्गरेट आर यू ग्रीविंग ओवर गोल्डन ग्रोव अनलिविंग। कभी कहता है कि मार्गरेट क्या तुम गोल्डन ग्रोव के अनलिविंग पर दुख मना रही हो। गोल्डन ग्रोव एक ऐसा पेड़ है जिसकी गोल्डन कलर की पत्तियां हैं, इसको उसको गोल्डन ग्रोव बोला गया है, और कुछ वो गोल्डन हो गया है छुपते हुए सूर्य की किरणों से। यानी कोई एक ऐसा पेड़ है जिसके ऊपर गोल्ड कलर की पत्तियां लगी है और उसकी पत्तियां झड़ रही हैं, झड़ते वक्त पत्तियां वैसे भी पीली हो जाती हैं, तो उसकी वजह से भी गोल्डन ग्रोव बोला है। तो वो मार्गरेट को कह रहा है कि क्या तुम गोल्डन ग्रोव के अनलिविंग होने पर दुख मना रही हो। अनलिविंग का मतलब ये उसका खुद का ही वर्ड इजाद किया हुआ है, ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है। पत्तियों को, पत्तियां जब झड़ती है ना उसको अनलिविंग बोला है। लीव का मतलब पत्ती, लीफ होता है ना, लीफ और लीव्स होगी बहुवचन। अनलिविंग का मतलब पत्तियों को गिराना। तो वो कह रहा है कि क्या गोल्डन ग्रोव के पत्तों को गिराने पर तुम दुखी हो रही हो। लीव्स लाइक द थिंग्स ऑफ मैन। अब ये जो लीव्स हैं, ये पत्तियां हैं, ये इंसान की मोर्टैलिटी जैसे हैं। थिंग्स ऑफ मैन का मतलब हो गया आदमी से जुड़ी हुई चीज़ें, यानी ये लीव्स जो हैं आदमी से भी जुड़ी हुई हैं। किस तरह से? आदमी भी मरणशील है, पत्तियां भी मरणशील हैं। यू विद योर फ्रेश थॉट्स केयर फॉर कैन यू। तो तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हारे थॉट्स फ्रेश हैं। थॉट्स फ्रेश होने का मतलब तुम्हारी उम्र क्या है अभी, तो तुम्हें अभी इन चीज़ों का पता नहीं है। फ्रेश थॉट्स तुम्हारे, फ्रेश थॉट्स से आप ये समझो कि कवि कह रहा है कि तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, तुम्हारे थॉट्स फ्रेश हैं अभी, नई नई तुम्हारे अंदर फ्रेश थॉट आ रहे हैं, नए नए थॉट आ रहे हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर ये थॉट्स फ्रेश नहीं रहेंगे। हाँ, नए नए विचार आदमी को तभी आते ना जब वो एकदम नया नया होता है, कहीं छोटा बच्चा होता है तो उसके तरह तरह की जिज्ञासाएं होती हैं। तो वो यहाँ कह रहा है कि यू विद योर फ्रेश थॉट्स केयर फॉर कैन यू। तो तुम अपने फ्रेश थॉट से इन चीज़ों को नहीं समझ सकती हो। ये लीव्स है, ये हमारे जैसी है इनकी कंडीशन भी। कैन यू, कैन यू, यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या तुम समझ सकती हो। तो ये एक रेटोरिकल क्वेश्चन है, इसके आंसर की अपेक्षा नहीं की गई, इसी में आंसर छुपा हुआ है कि तुम नहीं समझ सकती, तुम बहुत छोटी हो। आह, एज द हार्ट ग्रोज ओल्डर इट विल कम टू सच साइट्स कोल्डर। तो वो कह रहा है कि जब जैसे जैसे तुम बड़ी होती जाओगी वैसे वैसे तुम इन दृश्यों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दोगी, तुम्हारा रिस्पॉन्स कोल्ड हो जाएगा। कोल्ड रिस्पॉन्स हो जाने का मतलब ध्यान नहीं देना, नज़रअंदाज कर देना। तो यहाँ पे हार्ट ग्रोज ओल्डर बोला ना इसने, तो हार्ट का मतलब वो पूरी की पूरी लड़की। ये एक वो लिटरेरी डिवाइस यूज़ की है ना यहाँ पे, मेटोनमी, एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ का यूज़ कर देना। हार्ट के लिए, हार्ट का मतलब है वो पूरी की पूरी लड़की, सिनक लड़की भी कहते हैं इसको। एज अ हार्ट ग्रोज ओल्डर इट विल कम टू सच साइट्स कोल्डर। जैसे जैसे तुम बड़ी हो जाओगी तुम्हें एक्सपीरियंस होता जाएगा, तब तुम ज़्यादा दुखी नहीं होगी। बाय एंड बाय नोर स्पेयर एसाई। और धीरे धीरे, बाय एंड बाय नहीं, धीरे धीरे करके तुम दुख तो क्या एक साई भी नहीं करोगी इसके लिए। साई का मतलब एक आह भी नहीं भरोगी तुम, बिल्कुल भी दुखी नहीं होगी। स्पेयर का मतलब शेष रखना, भरना नहीं है। स्पेयर एसाई यानी एक साई भी नहीं लोगी। दो वर्ड्स ऑफ वैनवुड लीफ में लाई एंड येट यू विल वीप एंड नो वाई। तुम एक साई भी नहीं लोगी भले ही पूरा का पूरा जंगल ही खाली हो जाए। आज तो तुम एक पेड़ को पत्तियों गिरते हुए देख रही हो ना, बाद में जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम एक साई भी नहीं लोगी दो भले ही वर्ड्स ऑफ वैनवुड लीफ मी लाई कि बड़ी ही मात्रा में पत्तियां गिर जाए, यानी पूरा का पूरा जंगल भी खाली हो जाए, पूरा का पूरा जो सारे पेड़ है वो भी नंगे हो जाए, तो भी तुम सोरोफुल नहीं फील करोगी। तो वो कभी कह रहा है ये बातें एक्सपीरियंस से आती हैं, जैसे बच्चा होता है लेटना पड़े रहना। हाँ यही है, तो ये दो मतलब होते हैं इसके। हाँ, लेटना के लिए भी होता है, ले अलग होता है, ले लेटना वो एक अलग वर्ड है। द वर्ड्स ऑफ वैनवुड लीफ मील लाई एंड येट यू विल वीप एंड नो वाई। परंतु फिर भी तुम दुखी तो होगी और तुम्हें खुद नहीं पता होगा कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। हाँ, इस चीज़ पे दुखी नहीं होगी कि पत्तियाँ क्यों गिर रही है, लेकिन दुखी रहना तो आदमी का नेचर है, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं दुखी होता ही होता है। तो तुम दुखी तो फिर भी रहोगी, लेकिन इन चीज़ों से तो तुम पक जाओगी, इन चीज़ों से तो तुम दुखी नहीं होगी। जैसे बच्चा होता है उसका खिलौना जब टूट जाता है तो वो दुखी होता है ना, तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है फिर वो दुखी होता है उन चीज़ों पे, खिलौने टूटते रहते हैं, फिर तो वो खुद खिलौने ले जाता है, मतलब किसी पर निर्भर भी नहीं रहता है, लेकिन धीरे धीरे मैच्योरिटी आ जाती है। नाउ नो मैटर चाइल्ड द नेम सोरोज स्प्रिंग्स आर द सेम। तो वो कहता है कि अब नाम भले ही हम कुछ भी दे दें, नाउ नो मैटर चाइल्ड द नेम, नेम भले ही हमारे सोरो का हम कुछ भी रख दें, लेकिन सोरो का जो स्प्रिंग है वो हमेशा एक ही रहता है। सोरो का स्प्रिंग यानी सोरो का स्रोत, स्प्रिंग यानी झरना होता है वैसे तो, जहाँ से कोई चीज़ फूटती है, तो दुख का जो स्रोत है वो एक ही है। और वो एक दुख का स्रोत क्या है? पतियों के गिरने से मोर्टैलिटी। दुख का कारण ये है कि हम सभी मोर्टल हैं,
हर चीज़ दुनिया पे मॉर्टल है, हर चीज़ जो पैदा हुई है वो नष्ट जरूर होगी, कोई भी इटर्नल चीज़ तो है नहीं। तो यहाँ वो कह रहा है कि भले ही आप उसको उस दुख को कुछ भी नाम दे दो, वो दुख तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि सोरो का जो स्प्रिंग है वो एक है मॉर्टेलिटी। नोर माउथ हैड नोर नो नो नोर माइंड एक्सप्रेस। और ये जो सोरो का स्प्रिंग है ये एक ऐसा है कि हर कोई जानता तो है परंतु कोई भी इसको कहता नहीं है, कोई कह नहीं सकता है, एक्सप्रेस नहीं कर सकता है वर्ड्स के अंदर कि ये कैसा दुख है। व्हाट हार्ट हर्ड ऑफ गोस्ट गेस्ट, यहाँ गोस्ट का मतलब स्पिरिट से है, आत्मा से है, कि हमारा दिल उस चीज़ को सुनता है, हमारी आत्मा उस चीज़ को महसूस कर लेती है, मतलब गेस्ट कर लेती है कि दुख तो है कोई ना कोई, परंतु ये दुख जो है अनएक्सप्रेस रहता है। हमारे सारे दुखों के मूल में ये मॉर्टेलिटी वाला नेचर है, क्योंकि हर चीज़ एक ना एक दिन खत्म हो जानी है, इवन कि हम भी खत्म हो जाएंगे। तो ये पूरे दुख का स्प्रिंग यही है। इट इज़ द ब्लाइट मैन वाज बोर्न फॉर। ब्लाइट का मतलब यहाँ प्लाइट से एक वर्ड होता है प्लाइट, प्लाइट का मतलब बुरी स्थिति, बैड कंडीशन। तो वो ये कह रहा है कि ये आदमी इसी के लिए जन्मा है, आदमी को ये दुख तो होना ही होना है, आदमी की प्लाइट यही है, इसीलिए वो पैदा हुआ है। यहाँ उसको आप एल्यूड कर सकते हो उस स्टोरी को, एडम वाली को, जब उसको श्राप मिला तो वो ये कह रहा है इसलिए तो हमें श्राप मिला हुआ है। ये आदमी बड़ा धार्मिक था जिसने ये पोएम लिखी है ना, ये खुद ही एक पादरी था, हॉकिंस, तो खुद ही ये धर्मग्रम की बातें करता था सारा दिन, तो इसकी बातों में हमें वो मिलता है सेंस देखने को धार्मिक वाला। तो यही कहता है कि ये तो आदमी की पहली गलती है, उसका श्राप मिला हुआ है, प्लाइट है, इसी के लिए हम पैदा हुए हैं। इट इज़ मार्गरेट यू मोर्न फॉर। तो मार्गरेट को फिर कहता है कि तुम इसी के लिए तो दुख बना रही हो, ये पत्तियों के लिए दुख नहीं है तुम्हारा, तुम्हारा दुख ये है कि मॉर्टेलिटी पर है, कि हर आदमी एक ना एक दिन क्यों मर जाएगा, क्यों चला जाएगा, अब यहाँ से क्यों दूर चले जाएंगे। ओके, अब ऊपर वाला जो स्प्रिंग एंड फॉल बाय जिरार्ड मैनली होपकिंस यूजेज ए यूनिक राइम स्कीम एंड द कंसेप्ट ऑफ नेचर्स डिमाइस एज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग मच डीपर। तो इसकी एक राइम स्कीम एक थोड़ी सी अलग है इस पोइम की, और नेचर का जो कंसेप्ट है डिमाइस का, डिमाइस का मतलब विदाई का, नष्ट हो जाने का, मोर्टेलिटी का, वो कुछ गहराई में इसमें रिप्रेजेंट किया गया, कुछ गहराई के साथ। इन दिस वन स्टेंजा वर्क होपकिंस यूटिलाइजेज द रिएक्शन ऑफ ए यंग गर्ल नेम्ड मार्गरेट। तो ये पोइम पूरे एक स्टेंजा की है, छोटी सी पोइम है, इसमें एक यंग गर्ल जिसका नाम मार्गरेट है उसके रिएक्शन को यूटिलाइज किया गया है, वो किस तरह से रिएक्ट करती है प्राकृतिक दृश्यों पे, यूज किया गया है टू एक्सप्रेस ए डीप रूटेड फियर दैट ह्यूमंस कैरी थ्रू आउट देयर लाइव्स। और उस मार्गरेट की उस एक्सपीरियंस की मदद से उसने उस फियर को उजागर किया है, उस डीप रूटेड फियर को उजागर किया। डीप रूटेड का मतलब जो गहराई तक बसा हुआ आदमी के अंदर, कौन सा फियर जो वो हमेशा एक्सपीरियंस करते हैं, वो है एक्सप्रेसली दैट ऑफ देयर ओन मोर्टेलिटी, कि उनकी खुद की मोर्टेलिटी जो फियर रहता है उनको। तो हम जब भी कोई भी चीज़ प्राप्त कर लेते हैं ना, तो एक फियर आ जाता है मन में कि चली ना जाए, है ना। जब भी कोई भी हमें खुशी मिलती है ना, तो उस खुशी के साथ एकदम अटैच हुआ होता है कि ये चला जाएगा, ये स्थाई नहीं है। तो हर चीज़ में ये दुख छुपा हुआ है, और रियलिटी में क्योंकि हमने जब से हमने पैदा हुए तब से हमने देखा चीज़ों को ख़त्म होते हुए, और जब भी हमें कोई नई चीज़ मिलेगी हमें पता है कि ये चीज़ एक ना एक दिन जाएगी। तो वो अंदर डीप रूटेड फियर रहता है हमारे अंदर मोर्टेलिटी का। व्हाट सीम्स लाइक ए सिंपल अकाउंट ऑफ ए गर्ल ग्रीविंग ओवर ट्रीज लूजिंग देयर लीव्स एज समर मंथ्स लीडिंग इनटू द ऑटम सीजन इज इवेंचुअली नोटेड टू हैव ए मच ग्रेटर मीनिंग। तो एक छोटी सी घटना है जिसमें हम देखते हैं कि एक लड़की ग्रीव कर रही है, दुख मना रही है पत्तियों के झड़ने पर, वो एक बहुत ही गहरा मीनिंग लिए हुए है, उसका एक बहुत ही गहरा मीनिंग है। दैट मीनिंग एज हॉपकिंस नॉट्स इन द फाइनल लाइन्स ऑफ द पोइम। और वो मीनिंग हमें फाइनल लाइन में मिलता है इस पोइम की, इज द मार्गरेट इज मॉर्निंग द पैसेज ऑफ हर ओन लाइफ। के मार्गरेट जो है वो मॉर्न कर रही है, दुख मना रही है अपने खुद की लाइफ के एंड होने का, उसको पता है कि उसकी भी लाइफ एक दिन खत्म हो जाएगी। इवन दो शी इज नॉट मैच्योर इनफ टू ग्रास्प द नोशन, हालांकि वो इतनी मैच्योर नहीं है कि वो इस चीज़ को अच्छे से समझ सके, लेकिन एक बात छोटी सी बात तो सबको पता होता है कि हम एक ना एक दिन मर जाएंगे, क्योंकि इतनी वो बड़ी नहीं हुई है कि इस नोशन को अच्छे से ग्रास्प कर ले, वो इस भाव को अच्छे से समझ ले। नोशन भाव है, ग्रास्प करने वाला समझ लेना, लेकिन अंदर ही अंदर उसके यही फियर हमें मिलता है देखने को।